अमृत भाई वैद्य, ये इनकी घटना बताता हूँ, खड़ा हो जा। कई इनके चेले चपाटे इनको दंडवत करते थे, इनकी खुशामत करते थे, और ये भी बोलता था बापू की कृपा हो गई है, तो चेलों को और श्रद्धा बैठ गई, तो कुछ चेले हो गए, कुछ चेलियां हो गए, और ये हवा में उड़ने लग गया। मैं इसको टोकता था, लेकिन इसको लगता था कि बापू तो कहे इसमें क्या। जब कुछ नाश हुआ और खोखले बन गए, तो फिर बोले कि हवे समझाए मुझे। और सतीश को भी अभी नहीं समझ में आ रहा है, राजकोट का सतीश, उसको भूत घुस का है, मेरे को साक्षात्कार हो गया। मैं बोलता हूँ धीरज रख भाई, अभी जो मिला है उसको ही पचने दे। तो ढंडेरा पिटने लगते और चेले बनाने लग जाते। ऐसे दूसरे भी कई आए, थोड़ा सा मिला तो बस छक गए। मेरे गुरुजी मेरे को टोकते थे, अब मैंने गुरुजी की इस बात पर पूरा ध्यान नहीं दिया। मेरे को लगता था मैं बहुत भटका, और तब मेरे को गुरुजी मिले। अब सब कहाँ भटके आए, और ले जा और ले जा, तो थोड़ा सा मिलता है, पचता नहीं, पचता तो सारे अजीर्ण वाले बन जाते। लेकिन मेरी आदत बन गई कि मैं भटका, इतना तड़फा, अब मुश्किल से बापू मिले, अब यहाँ इनको मुश्किल से क्यों मिले, यहाँ तो जल्दी करो, जल्दी करो तो कुछ भी मिल जाता है। महसूस होता है कि हमारे रिश्तेदार 12 साल से, 15 साल से, 25 साल से धार्मिक है, उनको वो समझ, वो आनंद और वो अनुभूति नहीं जो हमको सहज में हो रही। बात तो सच्ची है, लेकिन इससे भी और आगे है ना। या आपके साथियों को, आपके धार्मिक मित्रों को 25-50 साल से अपने अपने साधन से जो नहीं मिला, उससे ज्यादा आपको मिला, ये बात तो सच्ची है। लेकिन उतने में आप मिले हुए आप और मिला हुआ रहोगे तो फिर डाउन हो जाओगे, आप मिटते जाओ। अभी और बहुत कुछ है, सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है, अभी तो परीक्षाएं और खजाने बहुत कुछ है। भौं सुवारूं भूखे मारूं, ऊपर थी मारूं मार, एटलू करता हरी बजे तो करी नाखू निहार। नरसिंह मेहता ने ऐसे कहा होगा। हमको गुरुदेव ऐसा कभी झाड़ देते कि शिवलाल ने एक बार देखा, गुरु जी ने डांटा तो शिवलाल को मेरे गुरु के प्रति, मैं अब वो शब्द बोल नहीं सकता, मेरे गुरु के प्रति ऐसा हो गया, अश्रद्धा नहीं और भी कुछ हो गया। लेकिन फिर शिवलाल मेरा चेहरा देखता है तो बोले बापू को शिकन, बापू के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, श्रद्धा वैसी की वैसी और बढ़नी चाहिए। गुरुजी अपना मानते हैं, हमारी गलती गुरुजी को खटकती है, ये अपना मानते तभी, नहीं तो हम, हमारी गलती किसी ने भड़का दिया कोई बात बना के। वो चूहड़मल पोस्टमैन था, गुड़ की चाशनी बनाकर, शहद बना के भक्तों को देता था, मेरे को पता चला तो मैंने उसको बराबर टाइट किया, कोई यहाँ जो सेवा करता है ऊपर से सेवा, और आने वालों को तो लूटता है। तो फिर उसने मेरे गुरुजी को कहा कि ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये वैसे हैं। तो गुरुजी ने सुना तो हम गए गुरु पूनम को दर्शन करने के लिए, गदगद होके गुरुजी ने, अच्छा आशारा इधर आओ, लोगों के सामने ऐसा ऐसा गुरुजी का जो तोहफे थी, बम थे, वो आप देखो तो आपको तंग रह जाओ। ऐसा डांटे कि पूरे थे ना, पूरा डांटते, कल थोड़ा सा आपको जरा सा डांटा, कैसे सब ठीक हो गए। बापूजी गुस्से अंदर में क्या थे वो तो हम ही जानते, भीतर से पूरे शीतल और बाहर से पूरे को। शिवलाल देखकर शिवलाल को हुआ था कि ये तो कहीं महात्मा है, तो कहीं बापू के आटला धारा श्रद्धा थी, मानता था कि चलो अपना गुरु जी ना, गुरु जी ना आओ करो। शिवलाल तो आमली खाने लगे मन में, हमारा गुरु की कृपा से ही हम थोड़ा बहुत संभल पाए। ये चीज ऐसी वैसी नहीं है। विवेकानंद बोलते थे, लाख आदमी में एक भी अगर पूर्णता को पा ले तो धरती 5 मिनट में स्वर्ग में बदल जाएगी। लाख आदमी में एक व्यक्ति,
35-40 लाख है अहमदाबाद में, तो 40 आत्म साक्षात्कार, 40 कबीर, नानक, विवेकानंद, 40 मिल जाए तो, अरे 2-3 मिल जाए एक मुख्यमंत्री बन जाए, एक दो महात्मा मिल जाए। मैं तो कहता हूँ 3 आत्मज्ञानी हो तभी भी गुजरात का नक्शा बदल जाए, खाली 3, अथवा तो 1 आत्मज्ञानी हो और 3 उसके सत्य शिष्य हो, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और दूसरा कोई जो खास विभाग कहीं भी उथल पथल, 3 वो हो तो सारे ऑफिसर, सारे लोग जो करते हो सब स्वर्गीय वातावरण बन जाए। विवेकानंद ने तो लाख पर एक कहा, मैं तो कहता हूं 10 लाख पे एक हो तभी भी इस जमाने में स्वर्ग हो जाए। क्या ख्याल है? बिल्कुल, अभी तो साधन बड़े हैं, माइक के द्वारा हजारों लाखों करोड़ों आदमी तक एक आदमी का संदेश जाता है। अब तो लाख आदमी नहीं, हम करोड़ आदमी को एक साथ सुना सकते, बता सकते, अब करोड़ों आदमी हमको सुनते हैं, मानते हैं, श्रद्धा रखते हैं। तो विवेकानंद ने कहा 1 लाख में एक साक्षात्कारी पुरुष, मैं कहता हूं कि इस युग में 10 लाख में एक भी मिल जाए तभी भी स्वर्ग हो जाए। ये ऐसा परमात्म तत्व है। तो बापू जी कैसा करे, पूरा नहीं पाओ तो कम से कम 2-5-10% भी पाओ ना, तो तुम्हारे द्वारा जहां होगे वहां बहुत बढ़िया होता रहेगा। तो कैसे पाए 10-20-50% उस परमात्मा की करुणा कृपा को, कि रोज 2 घंटे सुबह उसके अभ्यास में रहो और उस वही अभ्यास करवाता है अपना आप ही नाम जपाए, प्रभु दयाल भय आपे आप नाम जपाए, अजपा जाप करो 6 महीना ये करो, देखो क्या क्या नहीं होता है। शरीर विश्रांति करके आया हुआ, ऐसा नहीं सुबह बैठे 2 घंटा और यूं होते रहे, नहीं, रात को उचित खुराक स्वास्थ्य के अनुकूल, सुबह उचित समय पर सूर्य से उदय होने से 2 घंटे पहले, 2.25 घंटे पहले उठो, 6 घड़ी, नरसिंह मेहता ने गाया 6 घड़ी प्रभात, सूर्योदय से पहले 6 घड़ी, 4 घड़ियां 1.5 घंटा होता है, 6 घड़ी 2.25 घंटे, सूरज उदय हुए उससे 2.25 घंटे पहले से प्रभात लागू होती, भजवा नित्य हरि, 6 घड़ी पहले उठ के भजना नित्य हरि। नरसिंह मेहता में कितनी सिद्धियां, कितना सामर्थ्य था, नागर ब्राह्मण थे और नागरों ने नरसिंह मेहता के विरुद्ध का प्रचार किया, उनकी दुश्मनी जेलसी थी, फिर वो जेलसी वाले को सांप काटा तो कहीं फायदा नहीं हुआ, तो नरसिंह मेहता के पास आए, नरसिंह मेहता ने कहा हे प्रभु ठीक, आप दया करें, आप सब कर, वो ठीक हो गया। तभी भी प्रचारकों ने कहा कि ये तो जादूगर है, संत नहीं, अभी नरसिंह मेहता को मानते, उस समय तो बड़ी निंदा करते थे, क्या करें, जगत और भगत तो ऐसे ही होता है, भगत तो ईश्वर को जानता है, जगत विषय विकारों को और अपने अहम को मानता है, जानता है, तो जगत भगत ऐसा, फिर भी जगत भगत में कहीं मेल होता है तो शिष्य की श्रद्धा और गुरु की करुणा, करुणा करके गुरु नीचे आते हैं देह में व्यवहार में, हाँ शिष्य श्रद्धा रख के गुरु के करीब जाता है, नहीं तो संसारी का और आत्मज्ञानी का तो कोई आपस में मेल ही नहीं है। ब्रह्मवेता को तो ब्रह्म परमात्मा सच लगता है और संसारी को तो आंखों से दिखे वही सच लगता है, विज्ञानी बोलते हैं ये सच्चा है, क्यों बोले दिखता है, और साक्षात्कारी पुरुष बोलते हैं ये मिथ्या है, बोले क्यों मिथ्या है बाबा, बोले ये दिखता है इसलिए मिथ्या है, जो चीज देखने में आएगी वो मिथ्या है, वो नाशवान है, वो बदले, अब ये फूल दिखते हैं तो ऐसे रहेंगे क्या, मिथ्या, लेकिन जिससे दिखता है वो चैतन्य शरीर न भी रहे तभी भी रहेगा, वो सत्य है, जो दिखेगा वो सब मिथ्या है, जिससे दिखता है वो सत्य है।